देखिए मेरा होली स्पेशल हल्दीराम की तरह मिनी समोसा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी लगता है। एक बार आप इसे बना लेंगे तो हल्दीराम का लेना भूल जाएंगे, क्योंकि वो काफी कॉस्टली होता है। इसको बहुत कम कीमत में आप घर में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बनाने की इच्छा होती होगी, तो चलिए मेरे साथ, मैं इसको बना के दिखाती हूँ। डो बनाने के लिए मैं 250 ग्राम मैदा ली हूँ, 1 चम्मच अजवाइन है, नमक स्वाद अनुसार, और ये 6 चम्मच बड़े चम्मच से रिफाइन है। मैं आगे बताऊंगी इसको किस तरह से मिक्स करके बताना है। सबसे पहले मैं अजवाइन को लेके इस तरह से इसको हाथ पे रगड़ लें, इससे क्या होगा इसका फ्लेवर अच्छे से निखर के आता है। और इसमें मैदा में ऐड कर देना है नमक स्वाद अनुसार, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं रिफाइन ऐड कर रही हूँ, इसको सूखा मैदा में ऐसे मिक्स कर लेना है। देखिए आप मोयन देख सकते हैं, ये कितना बढ़िया मुट्ठी बन रहा है इस तरह से, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, पूरा मैदा में अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसमें एक इससे इतना ज़्यादा मोयन डालने से क्या होगा कि आपका रिफाइन जो बाद में तलेंगे वो भी कम लगता है और काफ़ी क्रिस्पी बनता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका डो तैयार कर लेंगे, पानी एक साथ ज्यादा नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं मैं एक बार में, देखिए इतना 1 चम्मच पानी डाल रही हूं, एक साथ नहीं डालना है पूरा, फिर लगेगा तो फिर मैं थोड़ा 1 चम्मच और डालूंगी। इस तरह से एक साथ डालिएगा तो गीला हो जाएगा। देखिए डो तैयार हो गया है, अब इसको ढक करके 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। स्टफिंग बनाने के लिए ये मूंग दाल भुजिया है, ये हल्दीराम भुजिया है, ये आलू भुजिया है, ये किशमिश है। किशमिश को मैं देखिए 2 टुकड़े में कट कर ली हूँ, नहीं तो अगर पूरा डालिएगा तो फूल के फट के निकल जाता है। ये चीनी है, 1.5 चम्मच चीनी है, 1.5 चम्मच सौंफ है, चिली फ्लेक्स है, और ये अमचूर पाउडर है। मिक्सी के जार में मैं ये मूंग दाल डाल दी, हल्दीराम भुजिया डाल दी, आलू भुजिया डाल दी, ये सौंफ और ये चीनी, इसको मैं दरदरा ये पीसूंगी, बहुत महीन नहीं करना है इसको। देखिए मैं इसको दरदरा पीस के तैयार की हूँ, इसको बहुत महीन नहीं करना है। अब इसको एक बॉल में निकाल दे रही हूँ मैं। अब इसमें मैं ये 2 चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, आप तीखा अपने स्वाद के अनुसार डालें, ये किशमिश इसको ऐड कर दे रही हूँ। अब टेस्ट कर लें, इसमें अगर आपको नमक चाहिए तो इसमें थोड़ा नमक ऐड कर सकती हूँ, जैसे मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। नमक मैं इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें अमचूर डाली हूँ, तो अमचूर में थोड़ा खट्टा ज्यादा रहेगा ना, तो नमक इसमें मिक्स करना थोड़ा टेस्ट और बढ़ा देगा। देखिए मेरा स्टफिंग कितना आसानी से बनकर तैयार हो गया। अगर आप मूंग दाल भिंगो के बनाते हैं तो उसमें काफी टाइम लगता है, आपको 3-4 घंटे इसको पानी में भिगोना है, फिर इसको फ्राई करना है, उसके बाद पीसना है। ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, ये आसान तरीका मैं बता रही आप लोगों को। देखिए मेरा स्टफिंग बनकर तैयार हो गया, अब मैं इसको ये डो को ला रही हूँ, डो को एक बार मिला लेंगे। हल्का सा रिफाइन में लेकर के बेलना चकला पे लगा ली हूँ। देखिए इतना छोटा छोटा गोली तैयार कर लेना है, पूरी के साइज का। ये समोसा जो बनाएंगे इसको ओवल शेप में पेलेंगे, गोल नहीं बनाना है इसको।
देख सकते हैं इस तरह से मैं बनाई हूँ। इसको बीच में से कट कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से तिकोना तैयार हो गया मेरा। अब चारों किनारे पे ये पानी लगा ले रही हूँ मैं, इससे ये चिपक जाएगा। देखिए कोन को एकदम अच्छे से चिपका लेना है जिससे स्टफिंग निकले नहीं। दबा दबा के इसको स्टफ करना है। दबा दें और किनारे पे फिर से पानी लगा दें हल्का। देखिए मिनी समोसा बनके तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। चारों किनारे पे पानी लगा लेना है। अच्छे से दबा देना है। देखिए इसको अभी मैं दूसरा तरीका बता रही हूं, इसको पकड़ के ऐसे चुन्नट कर देना। देखिए देखिए हल्दीराम इस तरह का मिलता है, देख सकते हैं। देखिए इसको इस तरह से, देखिए देख सकते हैं इसे। देखिए मेरा मिनी समोसा बनके तैयार हो गया है, देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। और इसको मैं दो तरीके से बनाई हूँ, एक देखिए ये भी आप देख सकते हैं, देखिए इसका भी डिजाइन देख सकते हैं। दोनों तरीके से मैं बनाई हूँ, तैयार हो गया है। अब मैं इसको तल के दिखा रही हूँ आपको। देखिए छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको डाल के देख लेना है मेरा गरम हो गया, क्योंकि गरम होना जरूरी है। एक ऊपर आ गया, गरम हो गया। अब इसमें समोसा डाल दे रही हूँ। देखिए इसको हटा हटा के डालेंगे, ज्यादा एक साथ नहीं डालेंगे ताकि इसको फैलने का स्पेस मिले। देखिए मेरा समोसा जो है गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। फ्लेम को कम करके ही निकालना है, सिम पे इसको तलना है, तेज फ्लेम पे नहीं तलना है इसको। एक बार समोसा डालने के बाद फ्लेम को कम कर देना है। अब मैं जो बचा हुआ उसको भी डाल दे रही हूँ। देखिए मेरा ये भी गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, इसको भी मैं निकाल ले रही हूँ। जो मैं दूसरा तरीके से बनाई हूँ उसको भी तल ले रही हूँ। देखिए मेरा मिनी समोसा गोल्डन ब्राउन बन के होकर तैयार हो गया है। जो मैं दूसरा तरीके बताई थी उसके बारे में बता रही। देखिए अब इसको निकाल ले रही हूँ, गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ। देखिए मेरा होली स्पेशल हल्दीराम जैसा मिनी समोसा बनके तैयार है। मैं इसे दो तरीके से बताई हूँ, दोनों बहुत टेस्टी बना है एकदम। आप एक बार बनाएंगे तो हल्दीराम से लेना भूल जाएंगे, क्योंकि सस्ते में घर में बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। तो एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।